यहीं जब आऊ है, अब हम थोड़ा सा बोल के बताओ थे, यहाँ जब आऊ है जौनपुर में तो मम्मी से जब मिलू है पहली बार तो कैसन लागल है, थोड़ा से वही अंदाज में बोल। मम्मी से मिले हैं तो बहुत अच्छा लगा था हमको, अभी हम खुद ही नहीं बोल पा रहे। अपने भाषा बोलिए तो सवाल जाएगा। मम्मी से हम फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे, कहाँ मिले थे हम, सगाई में। जब हमारा सगाई रही है तब मम्मी हमारे घर गए रही। अच्छा। तब हम मिले थे मम्मी से पहली बार। ओके बाद दूसरी बार फिर मम्मी के घुमावे लेके गए रही ना दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग में फिर मम्मी के साथ 8-10 दिन थे हम, तो फिर हाँ 10-15 दिन मम्मी के साथ दार्जिलिंग में रहे। ओके बाद फिर जब हम यहाँ आए तो यहाँ तो फिर तो हो गया ना 10-15 दिन में पूरी जान पहचान। मम्मी वो हमारी सासू माँ कम है, वो हमारी फ्रेंड ज़्यादा हैं। अच्छा, हाँ खूब सपोर्ट करा थी ना। हाँ वो हर एक चीज़ में मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग जो हम बोलने जा रहे हैं उससे ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन ये बात सही है। स्टार्टिंग में जितना हमारे पापा हमका नहीं सपोर्ट किए उससे ज़्यादा हमारे सासू मम्मी हमका सपोर्ट कर रही हैं। अरे वाह क्या बात है। सही बात है, हमको मतलब जब से आए पूरी फैमिली में ऐसा नहीं फील हुआ कि हम यहाँ बहू हैं। चलिए एक बात और बताइए कंचन जी, बहुत सारे हस्बैंड और वाइफ यूट्यूब पर आते हैं और एक प्रकार से अगर देखा जाए पूरा गदर मचा दिए हैं, मतलब इतना ज़्यादा अभद्रता फैला दिए हैं यूट्यूब पे जिसकी कोई सीमा नहीं। आपके आँख के भी सामने ऐसे वीडियो आते होंगे, उन हस्बैंड वाइफ और तमाम प्रकार के ऐसे लव मैरिज कपल्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप भी दिखाती हैं लेकिन आपके वीडियो में कहीं अभद्रता नहीं दिखाई देती है, डेली का रूटीन आप दिखाती हैं बहुत अच्छा लगता है और 1-1 मिलियन लोग देख रहे हैं, सही है कि नहीं? लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि पूरी तरह से सोचते हैं रातों रात हिट हो जाएं और पत्नी को लेकर नाचना स्टार्ट करते हैं और तमाम प्रकार के अभद्रता फैलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कंचन जी कंचन ब्लॉग की तरफ से? देखिए ये सब चीज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में जो पर्सनल होती हैं। देखिए हमको भी डांस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। हमने अपनी शादी में डांस किया, संगीत में रात के 1 बजे तक डांस किया। गाती तो नहीं है, गाओ तो बताए दो, गवाई एक आध गाना हमारे दर्शकों को भी सुना। नहीं नहीं गाना नहीं गाते हैं, डांस हमको बहुत पसंद है लेकिन वो हम अपने स्कूल कॉलेज टाइम में भी बहुत किए हैं, बट अभी हमको सोशल मीडिया पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। और ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सनली होता है तो उसको ज़्यादा नहीं डालना चाहिए सोशल मीडिया पर, चाहिए जो पर्सनल चीजें उसको पर्सनली ही रखना चाहिए। और देखिए बताएं चीजें आधा तो ज्यादा ना, मतलब जो लोगों का अंदर ये है पैसा कमाने का क्रेज है, लोग तो ये सोचते हैं कि रातों रात हम ऐसा क्या डाल दें कि रातों रात हम वायरल हो जाएं। लोग शॉर्टकट में वायरल होना चाहते हैं, शॉर्टकट में पैसे कमाना चाहते हैं, तो देखिए शॉर्टकट कुछ नहीं है पैसे कमाने के लिए, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो कोई भी है तो देखिए सबसे पहले उनसे यही विनती है हमारी हाथ जोड़ के कि मतलब लाइफ में अपने रिस्पेक्ट कमाइए। रिस्पेक्ट आप तभी कमाएंगे जब आप रिस्पेक्ट से खुद को प्रेजेंट करेंगे, तभी आपकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। देखिए ऐसे लोग जो होते हैं ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, वो बहुत जल्दी उठेंगे और बहुत जल्दी नीचे चले जाते हैं क्योंकि लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। फिर उनको लगता है कि मतलब एक बार देखे उसके बाद दोबारा उनके पास वीडियो जाएगी ना तो वो नहीं देखेंगे, और अगर आप वही चीज़ रिस्पेक्टफुली करेंगे ना तो लोग बार बार आपको देखेंगे। ये चीज़ें वैल्यू कमाइए, इज्जत कमाइए, ये चीज़ें मत करिए। और हम क्या बोल सकते हैं, हम सबसे छोटे ही होंगे। कोई बात नहीं है, चलिए तमाम प्रकार के यूपी बिहार झारखंड के समस्त लोग आपको देख रहे हैं, सबके लिए एक लाइन में धन्यवाद कैसे देंगे अपने चैनल के नाम के साथ जैसे अपने वीडियो में एंडिंग करती है। ओके जी, तो हमारे इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा लगा हुई, तो भाई हमारे चैनल के नाम है कंचन व्लॉग, YouTube पर सर्च कर लियो सबसे पहले मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लियो। और ये वाली वीडियो अगर आपका अच्छी लगी हो तो यहू का सब्सक्राइब कर लियो, आगे और भी अच्छा अच्छा वीडियो आपका देखे मिली। बाय बाय।